फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, मैं इस वीडियो में आपको पैन कार्ड लॉस्ट यानी आपका अगर पैन कार्ड घूम गया है उसका नंबर आपको कैसे फाइंड करना है। फ्रेंड, पैन कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बिना पैन कार्ड के आपको बहुत सी जगह जैसे 50,000 ज़्यादा लेन देन, इनकम टैक्स फाइल करने या फ्रेंड्स लोन लेने जैसे कामों को पूरा करने में आपको समस्या हो सकती है अगर फ्रेंड्स आपके पास पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है। अगर आपके पास पैन कार्ड अभी तक नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपका पैन कार्ड बना हुआ है और वो अगर कहीं खो गया है या चोरी हो गया है तो उसे फ्रेंड्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आपका पैन नंबर मिल जाता है आप उसकी कॉपी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि पैन कार्ड नंबर को कैसे फाइंड करना है। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप उसके लिए लास्ट तक फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए। दोनों तरीके बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले तरीके में। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप करना है डिजीलॉकर। डिजीलॉकर टाइप करके फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट वाली जो ऐप आ रही है डिजीलॉकर, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो मैं फ्रेंड्स इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। अगर फ्रेंड्स आप हिंदी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिजीलॉकर के बारे में बता रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स सिक्योर है, इजी एक्सेस है और एनी टाइम एनी वेयर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर डिजीलॉकर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने फ्रेंड्स इसका भी एक वीडियो बना रखा है। अभी फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लेस गो कर देना है। नीचे फ्रेंड गेट स्टार्ट का वो बटन आ रहा है, आपको गेट स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डिजीलॉकर में एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेंड डिजीलॉकर चला रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्रिएट अकाउंट आपको करना है। क्रिएट अकाउंट करने पे फ्रेंड्स ये आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सभी कुछ मांगेगा, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंटर करके सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स डिजीलॉकर में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स अकाउंट बना लिया है तो मैं आपको यहाँ पे साइन इन करके बता दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद फ्रेंड नीचे आपको आपका पिन नंबर इंटर करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेगा, उस OTP को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। डिजीलॉकर की कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इशूड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इशूड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो भी डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर द्वारा इशू किए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इशू करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करना है वो मैंने डिजीलॉकर के वीडियो में दिखाया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं, देख लेते हैं कि पैन कार्ड का क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स पैन कार्ड की जो मेरी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर फ्रेंड्स आपका पैन कार्ड कहीं घूम गया है तो फ्रेंड्स उसका नंबर आप यहाँ आके देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप पैन कार्ड नंबर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगर कहीं आपका रिकॉर्ड पैन वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड डिजीलॉकर में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। दूसरे तरीके में आपको पैन कार्ड कस्टमर केयर पे कॉल लगा के आपका नंबर पता करना है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पैन कार्ड का कस्टमर केयर का नंबर आपको कहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में चले जाना है या आपके पास फ्रेंड्स जो भी ब्राउजर हो उसमें आपको चले जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आकर टाइप करना है पैन कार्ड इनकम टैक्स कस्टमर केयर नंबर। पैन कार्ड इनकम टैक्स कस्टमर केयर नंबर टाइप करके फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप ये सर्च करते हैं उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफ इंडिया कस्टमर केयर नंबर करके एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नंबर दिखाई दे रहे हैं 1800180 1961। इस नंबर को फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर ले या फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल में सेव कर ले। तो फ्रेंड्स इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपकी फैमिली में किसी का भी पैन कार्ड नंबर गुम हो गया है तो फ्रेंड कस्टमर केयर पे कॉल लगाने के बाद कस्टमर केयर से उसी पर्सन को बात करना होगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर कहीं कोई गलती है तो वो आपको पैन कार्ड नंबर नहीं देंगे। इसलिए फ्रेंड्स जिस भी व्यक्ति का पैन कार्ड है उसी को बात करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका आधार कार्ड नंबर मांगेंगे। आधार कार्ड नंबर मांगने के बाद वो आपकी डिटेल वेरीफाई करेंगे, जैसे कि आपका नाम, पापा का नाम वगैरह क्या है। अगर वो डिटेल मैच हो जाती है तो वो आपको कॉल पे ही पैन कार्ड नंबर बता देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप अपने पैन कार्ड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पैन कार्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार फ्रेंड्स आपके लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो बनाता रहूँगा। और फ्रेंड्स आप किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।